हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कर्नाटका प्रीमियर लीग के फोर्थ मैच की मैच प्रेडिक्शन, जो कि होगा हुबली टाइगर्स और नामा शिवमोगा के बीच। और ये मैच खेला जाएगा 19 अगस्त की शाम को 6:30 बजे भारतीय समय अनुसार। और ये मैच होगा इंडिया के मैसूर में। तो आइए, ये जानने से पहले कि मुझे क्या लगता है दोनों टीमों में से कौन सी टीम मैच जीत सकती है, हम सबसे पहले नज़र डालेंगे दोनों टीमों की बल्लेबाजी के ऊपर और देखेंगे किस टीम की बल्लेबाजी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले अगर मैं हुबली टाइगर्स की बल्लेबाजी पर नज़र डालूं तो उनके पास अभिषेक सुकेजा, डेगा निश्चल, अभिषेक रेड्डी जैसे बल्लेबाज है दोस्तों। वहीं मैं अगर नामा शिवामोगा टीम की बल्लेबाजी पर नज़र डालूं तो उनके पास सरफराज अशरफ, अबर काजी, अनिरुद्धा जोशी और शोएब मैनेजर जैसे बल्लेबाज है। शोएब मैनेजर के पास काफ़ी डोमेस्टिक क्रिकेट का एक्सपीरियंस है दोस्तों। वह अगर मैं पलड़ा भारी की बात करूं तो मुझे हुबली टाइगर्स का ही पलड़ा भारी लग रहा है बल्लेबाजी में। और अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं बल्लेबाजी के लिए तो मैं दूंगा हुबली टाइगर्स को 52 पॉइंट्स आउट ऑफ 100 और नामा शिवमोगा को दूंगा 48 पॉइंट्स आउट ऑफ 100। अब आइए दोनों टीमों की गेंदबाजी में नज़र डालते हैं और देखते हैं किस टीम की गेंदबाजी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले अगर मैं हुबली टाइगर्स की गेंदबाजी में नज़र डालूं तो उनके पास एक्सपीरियंस विनय कुमार, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल चुके हैं, डेविड मथाइस, परवीन दुबे और शरण गोड़ा जैसे गेंदबाज है दोस्तों। वहीं अगर मैं नामा शिवमोगा की गेंदबाजी पर नज़र डालूं तो उनके पास सादिक किरमानी, केहो साला, अब्दुल मजीद और जी एस मशहूद और हुसैन प्रदीप टी जैसे गेंदबाज है दोस्तों। तो अगर मैं पलड़ा भारी की बात करूं तो मुझे लगता है कि गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में ही हुबली टाइगर्स का ही पलड़ा भारी है। अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो मैं 60 दूंगा हुबली टाइगर्स की गेंदबाजी को, क्योंकि उनके पास विनय कुमार हैं एक्सपीरियंस बॉलर, और 40 दूंगा नामा शिवमोगा की गेंदबाजी को। अब आइए इस पर नज़र डालते हैं कि मुझे क्या लगता है दोनों टीमों में से कौन सी टीम ये मैच जीत सकती है और किस टीम के मैच जीतने के चांसेस कितने हैं। ये मैच होगा भारत के मैसूर में और मैं बैक करूँगा हुबली टाइगर्स को ये मैच जीतने के लिए। जी हाँ दोस्तों, मेरे हिसाब से हुबली टाइगर्स ये मैच जीत जाएगी। और अगर मैं चांसेस की बात करूँ तो मुझे लगता है कि 55% चांसेस है हुबली टाइगर्स के मैच जीतने के और 45% चांसेस है नामा शिवमोगा के मैच जीतने के। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, ये जो मेरी मैच प्रेडिक्शन की वीडियो है इसको मैं 100% सही होने की गारंटी नहीं दे सकता, इसको मैं 90-95% सही होने की गारंटी दे सकता हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि ये मैच हुबली टाइगर्स नहीं नामा शिवमोगा जीतेगी तो आप नामा शिवमोगा के साथ जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही मैच प्रेडिक्शंस की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जो इन दी एंड आपको मैच प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगी। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।